Hi, this is Satish. Hope you are safe and sound during this global pandemic. Let us take it up the second chapter from Vistas, that is, The Tiger King. It has been written by Kalki. Let's begin with the introduction. The story revolves around a king whose death at the hands of a tiger. फोर टोल्ड बाय एस्ट्रोलोजर्स जिसकी मृत्यु टाइगर के हाथों तो होगी ऐसा भौस्यवाणी ज्योतिषियों के द्वारा की गई थी व्हेन ही मॉस बोर्ड जब वह पैदा हुआ था ही ट्राइस टू रिवर्स द फीट स्पेल आउट फॉर हिम और तब वह अपना भाग्य को पलटने की कोशिश करता है विच लेटर प्रूव्स टू बी और जो बाद में सिद्ध होता है अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट एक व्यर्थ प्रयास साबित होता है इन दिस मैनर इट मेक्स द रीडर्स लाफ और इस प्रकार से पाठकों को यह जो चैप्टर है वह हंसाता है लेट्स बिगिन द स्टोरी द टाइगर किंग द किंग इज डेड ये टाइगर किंग मर चुका है एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोर टूल दैट ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी कर रखी थी दैट वन देगा किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना ही पड़ेगा ही वुड ग्रो अपू बिकम द हीरो ऑफ हीरो वह बड़ा होकर नायकों का नायक चैंपियन ऑफ चैंपियंस और चैंपियनों का चैंपियन बनेगा द चाइल्ड बोर्न अंडर दैट स्टार लेकिन उस ग्रह के अंदर पैदा हुए बच्चे को वुड डे हैव टू मीट हिज डेथ एक दिन मरना होगा लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ इन द स्टोरी टेन डे चाइल्ड स्पीक्स दस दिन का बच्चा बोलता है अ ग्रेट miracle took प्लेस एक महान चमत्कार हुआ द टेन डे ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर स्पोक वेरी क्लियरली दस दिन का जिलानी चंग बहादुर बहुत ही स्पष्टता से बोला ही टोल दैम दैट who were born उन्होंने उन्हें बताया कि वे सभी जो पैदा हुए थे वुड हैव टू डाई वन डे उन्हें एक दिन मरना ही है देयर वाज नथिंग न्यू इन दैट उसमें नया कुछ भी नहीं था देयर वुड बी सम सेंस इफ एनीवन कुड टेल हिम द manner ऑफ हिज डेथ और इसमें कुछ सेंस होता अगर कोई बता पाता कि उनके मरने का तरीका क्या होगा एवरी वन टूड और वहां खड़े हरेक व्यक्ति अचंभित था अन इन्फेंट बोर्न जस्ट टेन डेज a manner. केवल दस दिन पहले जन्मा एक बच्चा इस प्रकार बोल रहा था The चीफ astrologer told the prince, मुख्य ज्योतिषी ने राजकुमार को बताया that he was born in the ऑफ of the bull, तब वह वृषभ राशि में पैदा हुआ था the bull and the tigers were enemies, और तब वृषभ और टाइगर एक दूसरे के शत्रु थे देयर फोर हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर और तब इसीलिए उसकी मृत्यु एक टाइगर से होगी लेट एस प्रोसीड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ द महाराजा स्टार्ट आउट ऑन अ टाइगर हंट महाराजा टाइगर के शिकार का शुरुआत करते हैं देवर इन न्यूमरेबल फॉरेस्ट एंड द प्रतिबंधपुरम स्टेट प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जंगल थे देहा टाइगर सिंधम और उसमें बहुत सारे टाइगर्स थे द महाराजा वॉज ओवर चॉइड वेन ही किल हिज फर्स्ट टाइगर महाराजा बहुत ही प्रसन्न हुए जब उन्होंने पहला टाइगर मारा ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट उसने राज्य ज्योतिषी को बुला भेजा और उससे मरा हुआ टाइगर दिखाया दस्ट्रोलोजर टोल द महाराजा बुधहैप्टल नाइनटी नाइन मोर और तब ज्योतिषी ने बताया कि महाराजा को ninety nine और टाइगर्स मारने हैं ही मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द hundredth टाइगर और महाराजा को बहुत ही सावधानी बरतनी होगी हंड्रेड टाइगर से द किंग वाट इफ द हंड्रेड टाइगर वर ऑल्सो किल्ड और तब राजा ने पूछा यदि हंड्रेड टाइगर भी मारा गया तो क्या होगा द एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर That he would tear up all his books on astrology, और तब उन्होंने घोषणा की ज्योतिषी ने घोषणा की कि वह ज्योतिष पर अपनी सभी पुस्तकें फाड़ देगा He would set fire to them और उन्हें आग लगा देगा Then the king would have no trouble और तब राजा को कोई भी कष्ट nahi hoga let us proceed to the next paragraph well that's it for today hope this explanation will help you to understand the chapter better rest of the story we'll see in the next video till then thanks and bye bye stay home stay safe